क्या फिल्म में होगा रॉकी का डबल रोल? क्या सच में नहीं रहे रॉकी भाई? क्या होंगे इस फिल्म में नए ट्विस्ट्स? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। KGF 3 2023 के एंड में रिलीज की जा सकती है। सभी फिल्म के पार्ट 3 पर जमकर काम कर रहे हैं और लोगों को भी इससे बहुत उम्मीदें हैं। जहां पार्ट 2 में हमें रॉकी भाई की मौत दिखाई गई थी, वहीं लोगों को अपने पसंदीदा कैरेक्टर को मरते देखकर बहुत दुख हो रहा है, जिसके चलते फैंस बहुत सारी थ्योरीज बना रहे हैं जिसमें रॉकी भाई अभी जिंदा है। एक थ्योरी की माने तो रॉकी भाई नहीं डूबते हैं, बल्कि उनका जुड़वा डूबता है। जहां फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैसे रॉकी भाई अपनी माँ के अकेले लड़के थे, वहां ये थ्योरी गलत साबित हो जाती है। पर फिर भी बात हमशक्ल की आ जाती है। दो लोग आपस में भाई नहीं होकर भी सेम दिखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। फैंस की माने तो ये एक अच्छा प्लॉट हो सकता है रॉकी भाई को फिल्म के अंदर जिंदा रखने के लिए, पर मेकर्स के मन में ऐसे किसी प्लॉट का कोई ख्याल है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। जितनी धमाकेदार KGF 2 की स्टोरी थी, उसकी एंडिंग में उतना ही लोगों को दुख हुआ। वो इसलिए नहीं था क्योंकि इसकी एंडिंग बुरी तरीके से लिखी गई थी, पर इसलिए था क्योंकि लोगों का फेवरेट कैरेक्टर यानी रॉकी भाई को ओशन के बीच में डूबता हुआ दिखाया गया था, जिससे कि उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। इसका ये मतलब होता है कि पार्ट 3 में रॉकी भाई की कहानी आगे नहीं दिखाई जाएगी। ये सच भी है, क्योंकि भाई की कहानी आगे की नहीं बल्कि पुरानी कहानी दिखाई जाएगी, यानी कि पार्ट 3 प्रीक्वल होगा। फिल्म का पार्ट 3 फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट भी हो सकता है, जिसका लोग रॉकी भाई के कैरेक्टर को मरते देख कर बहुत ही दुखी हो और अगली फिल्म में एक्साइटेड भी हो जाए। सुनने में आ रहा है KGF 3 में बहुत सारे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होने वाली है। इसके चलते ही मेकर्स इसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने वाले हैं। फिल्म एक ड्रग माफिया का भी एंगल लेकर आ सकती है सामने, जिसके कारण रॉकी भाई का कैरेक्टर और भी निखर कर आएगा। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक की बात की जाए तो अगली फिल्म में एक आइटम नंबर होना भी पक्का सी बात है। फिल्म का एक्शन भी पिछली दो फिल्म्स के मुकाबले ज्यादा धमाकेदार होने की बात सामने आ रही है। इसके चलते ये कह सकते हैं कि मेकर्स इस फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी को सबसे धमाकेदार बनाना चाहते हैं और इसके लिए पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अपूर्वा ने।